एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, सभी के लिए जरूरी खबर है और इम्पोर्टेंट खबर है। इससे वो चुन के शायद आप भी, आपने थंबनेल देख के भी आपके होश उड़ गए होंगे कि यहाँ पे ये खबर क्या है। ये खबर पहले ही आ गई थी कि यहाँ पे आधार कार्ड ने, जो यहाँ पे सौकाने वाली न्यूज़ दी थी, आधार कार्ड ने ये कहा था कि जो हमारा आधार कार्ड है वो न जन्मतिथि का प्रमाण है, न नाम का प्रमाण है, न ही आपका ये नागरिकता का प्रमाण है। ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए जो यूज होगा, ये सिर्फ सत्यापन के लिए यूज होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे राजस्थान के अंदर ही जन आधार कार्ड को आधार कार्ड से ज़्यादा प्राथमिकता मिली हुई है। जब भी आप देखिए यहाँ पे फैमिली केवाईसी कर रहे हैं, तो फैमिली केवाईसी आधार के डाटाबेस से, फैमिली केवाईसी की जा रही है आधार के डाटाबेस से, यहाँ पे मिलान किया जा रहा है। यहाँ पे आपको बता दूं कि आधार कार्ड जो है आपके यहाँ पे जन्मतिथि का प्रमाण नहीं रहने वाला है। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, राजस्थान के अंदर ही नहीं हर जगह आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है किसी के पास भी वैध जन्मतिथि का कोई प्रमाण नहीं है। दोस्तों, आधार कार्ड आखिर इस सिस्टम को क्यों लाया? आधार कार्ड ने आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण कार्ड अघोषित क्यों किया? कारण ये था कि हर एक राज्य के अंदर सरकारों में पेंशन के बारे में ज्यादा घोटाले हो रहे थे। पेंशन आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ बढ़ा के फिर पेंशन ज्यादा ली जा रही थी, कई योजनाओं के अंदर लाभ उठाए जा रहे थे। कहीं भी जैसे जन्मतिथि कम चाहिए उनके लिए जन्मतिथि उसके अंदर कम कर देते थे, और ज्यादा चाहिए थी तो ज्यादा कर लेते थे। तो पेंशन धारकों को ज्यादा परेशानी होने वाली है, उनके पास एक वैध प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण होगा जन्म प्रमाण पत्र, और पेंशन धारक जो भी है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो आप जन्म प्रमाण पत्र अभी बनवा लीजिए, और ये नहीं होगा जन्म प्रमाण पत्र तो बड़ी परेशानी आपको होने वाली, क्योंकि किसी भी पेंशनर के पास कोई भी जन्म प्रमाण पत्र का, सॉरी यहाँ पे जन्म तिथि का कोई भी प्रमाण नहीं है। ये रियलिटी में यूएडीआई भी जानता है, जिस वजह से यहाँ पे यूएडीआई ने आधार को जन्म तिथि का किसी भी तरह का प्रमाण अघोषित कर दिया, मतलब प्रमाण अघोषित कर दिया। ये प्रमाण नहीं है जन्मतिथि का, आपका नागरिकता का इस वजह से हुआ है क्योंकि नेपाल से कई लोग भारत के अंदर दाखिल होते थे, दूसरे देश के लोग, पाकिस्तान के लोग भी नेपाल के अंदर, नेपाल से आते थे, क्या आधार कार्ड पे उनको यहाँ पे एंट्री दे दी जाती थी। लेकिन अब आधार कार्ड से किसी को भी भारत के अंदर नेपाल से एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड कोई भी बना सकता है, बनवा सकता है, चाहे वो विदेश से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, क्योंकि आधार कार्ड बन जाता है। आधार कार्ड के लिए किसी भी प्रकार की भारत की नागरिकता होने की भी जरूरत नहीं होती है, पासपोर्ट पर ही आधार कार्ड बन जाता है। और दोस्तों, राजस्थान के अंदर अब फिलहाल जन आधार की फैमिली केवाईसी चल रही है, लेकिन फैमिली केवाईसी के अंदर बड़ी अपडेट ये है, फैमिली केवाईसी के अंदर बड़ी सूचना ये है कि यहाँ पे राजस्थान सरकार ही आधार के डाटा को प्राथमिकता ज़्यादा दे रही है। क्योंकि आधार में जो डाटा है, आधार कार्ड में जो जन्मतिथि है, आधार कार्ड में जो नाम है, वही जन आधार कार्ड के अंदर लिया जा रहा है, फिर इसे वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सही है? सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड ने पीछे से चौंका दिया है एक खबर देके। अब क्या यूएडीआई, क्या सॉरी जन आधार सिस्टम वाले, जन आधार डेवलपर अब क्या फैसला लेंगे? क्या आधार कार्ड कोई जो फैमिली केवाईसी चल रही है, फैमिली केवाईसी जन आधार की, क्या वो कंटिन्यू रखेंगे या फिर उसके अंदर कोई सुधार करेंगे कि उसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये चीज़ें सही होगी। लेकिन जन्म तिथि के लिए और भी प्रमाण पत्र होते हैं। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड हो जाएगा तो चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो चल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड से ही पैन कार्ड बना है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वो भी आपका आधार कार्ड से ही बना है। तो अब क्या करेंगे आप लोग? तो बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना करता हूँ, इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय।